हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी फ्राई, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते कैसे बनता है। इसके लिए मैंने 400 ग्राम भिंडी ले लिया है, जिसे कट कर लिया है। ये दो बड़े ऑनियन थे, कट कर लिया। ये दो बड़े टमाटर थे, जिसे मैंने कट कर लिया। साल्ट, टर्मेरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और एक साबुत रेड चिल्ली ले लिया है। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म रखेंगे, गर्म करेंगे 4 to 5 स्पून। मैंने ऑयल डाल दिया है, ये गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम एक जो साबुत रेड चिल्ली लिया था उसे डालेंगे और उसे हम 1/2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे हम डाल देते हैं भिंडी और इसे 2 मिनट तक हम इसमें पकाएंगे, जब तक ये सॉटेड ना हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैंने यहाँ 1.5 स्पून डाला है। टर्मेरिक पाउडर 1 स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून से थोड़ा कम, कोरिएंडर पाउडर 2/4 स्पून, क्योंकि इसी की ग्रेवी बननी है इसलिए हम इसे ज़्यादा डालते हैं। इसे 2 मिनट तक हम ऐसे पकाएंगे, चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं ओनियन, टमाटो और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुका है, चलिए इसे अब हम चेक कर लेते हैं। ये कुक हो चुका है, लेकिन इसे 2-3 मिनट और हम पकाएंगे, अच्छी तरह से ये पक जाएगा। 2 अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसे 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। ये रेडी हो चुका है, अब अच्छी तरह से पक गया। देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा है। तो इसे हम निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। अब इसे रोटी या पराठे के साथ खा जा सकते हैं। इसे धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। और इस तरीके से हमारा भिंडी फ्राई रेडी है।